सो हाय, दिस इज़ पुनीत त्यागी और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि और भी ज़्यादा स्मार्ट दिखना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं, सेक्सी दिखना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं ऐसी 6 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी लुक्स को इम्प्रूव करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगी और ओवरऑल आपको ग्रूम करेगी। बाकी यार, इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 80% लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ, फैशन, ग्रूमिंग से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। पुनीत त्यागी ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो पहली चीज़ है जो कि आपके लुक्स को इम्प्रूव करेगी और ये काइंड ऑफ मिस्टेक्स हैं, कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब पहली ये कि जो वेस्ट यानी कि जो बनियान होती है वो कभी भी आपको शर्ट के अंदर नहीं पहननी, और जस्ट इन केस अगर जो आप पहन रहे हो तो मेक श्योर जो वो वेस्ट है, जो वो बनियान है, जो वो सेंडो है, उसकी फिटिंग अच्छी हो ताकि वो आपके जो सेकंड बटन या फर्स्ट बटन से दिखे ना, और साथ के साथ वो यहाँ से भी ना दिखे। तो ये एक बेसिक सा रूल होता है कि वेस्ट और जो सेंडो आप बोल दो चाहे बनियान बोल दो, इसकी फिटिंग थोड़ी सी आपकी टाइट होनी चाहिए। वहीं अगर जो मैं बात करूं, अगर जो आप ऑफिस जाते हो, फॉर्मल कपड़े पहनते हो, तो आपके जो सॉक्स है वो ज़्यादा लाइट कलर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वाइट नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, वो होना चाहिए थोड़ा सा डार्क, लाइक ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। अब जो तीसरी चीज़ है कपड़ों के ही रूल में, वो ये है कि यार अगर जो आप लेयरिंग कर रहे हो ऑफिस में, कैजुअल, मीटिंग, डेट, कहीं पर भी अगर जो आप लेयरिंग कर रहे हो, लेयरिंग का मतलब होता है कि किसी शर्ट के अंदर टी शर्ट पहन लेना या जैकेट के अंदर टी शर्ट पहन लेना, तो जब भी आप लेयरिंग करते हो तो जो टी शर्ट है वो कभी भी किसी पैटर्न की नहीं होनी चाहिए, लाइक उस पर चेक नहीं होना चाहिए, लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हमेशा एक वो सॉलिड प्लेन टी शर्ट होनी चाहिए जब भी आप लेयरिंग कर रहे हो। अब जो सेकंड चीज़ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगी वो ये है कि कभी भी किसी को कॉपी मत करो। अब यहाँ पर सिंपल सी अगर जो मैं चीज़ बताता हूँ, अगर जो मैंने बियर्ड रखी हुई है तो मैंने अपने फेस कट के हिसाब से बियर्ड रखी हुई है या फिर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैंने बियर्ड रखी हुई है। बट अगर जो आप सोचो कि आप मेरी बियर्ड स्टाइल को कॉपी करके आप भी स्मार्ट दिखोगे, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ पॉसिबल हो। सिमिलरली अगर जो आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आप लंबे बाल में अच्छे लगते हो और मैं सोचूं कि मैं भी लंबे बाल रखूं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा लगूं। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर किसी का अपना फेस स्ट्रक्चर होता है, फेस कट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और उसी के हिसाब से उसको ग्रूमिंग करनी चाहिए। तो कभी भी कॉपी मत करो। एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ, लाइक आप बियर्ड बढ़ा के देखो, आप सिर्फ मुस्टैच रख के देखो, आप लंबे बाल करके देखो, आप छोटे बाल करके देखो। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर सूट करेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर सूट नहीं करेंगी। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको करते रहना पड़ेगा। तो तीसरी चीज़ है जो कि आपके लुक्स को एनहांस करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगी, वो है स्किन केयर। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग नहीं करते हैं, यानी कि अपने स्किन का इतना अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर जो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं तो अलग से बहुत सारी वीडियोस जो है बन जाएंगी, और मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूं। लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज़ जो मैं अब से नहीं, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब से बताता आ रहा हूं कि CTM ट्रीटमेंट आप सभी को फॉलो करना चाहिए, कि चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, लेकिन CTM ट्रीटमेंट आपको फॉलो करनी चाहिए। अब CTM का मतलब होता है क्लिंजिंग टोनर मॉइस्चराइजिंग, यानी कि सिंपल चीज़ है, जब भी आप नहाते हो यानी कि क्लिंजिंग हो जाती है, सी यानी क्लिंजिंग, उस टाइम पर क्लिंजिंग हो जाती है जब आप नहाते हो या फेस वॉश करते हो, उसके बाद टी यानी टोनर, तो जब आप नहा के निकलते हो तो आपको टोनर अप्लाई करना है अपने फेस पे, उसके बाद एम यानी कि मॉइस्चराइजिंग, तो आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइजर जो है यूज़ करना है, वो बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली उसका टेक्सचर नहीं होना चाहिए। तो CTM का बेसिक मतलब होता है क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, और ऐसा करके आप अपने स्किन पे डबल लेयर जो है ऐड कर दोगे, और जो हार्म आपको होने वाले हैं जो बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे, एक्ने आने थोड़े से कम हो जाएंगे, सनबर्न से आप बच जाओगे, स्किन पे टैनिंग भी बहुत हद तक कम। फोर्थ चीज़ है जो कि आपके लुक्स को इम्प्रूव करेगी वो है बॉडी पोस्चर्स। तो अब यार होता क्या है, देखो आप चाहे जितनी मर्जी स्किन केयर कर लो, जितने मर्जी फैशन सेंस सीख लो, अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर जो आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा नहीं है, यानी आपके खड़े होने का, बैठने का तरीका सही नहीं है, तो यार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपके ऊपर। और आपने भी ये चीज़ देखी होगी, बहुत से आपके ऐसे रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स, दोस्त यारों में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका पोस्चर अच्छा नहीं होता, यानी कि वो अगर जो खड़े हैं, अब जैसे मैं अगर जो खड़ा हूँ और इस टाइम पर मैं बिल्कुल एक नॉर्मल पोस्चर में खड़ा हूँ, अगर जो मैं कमर झुका लूँगा या मैं बहुत ज़्यादा ओवर चेस्ट आउट कर दूंगा, तो ये दोनों ही तरीके गलत हो जाएंगे। तो अब इसको ठीक करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा अपनी फोटोज़ देख के, या फिर अपने जो नियर डियर जो दोस्त हैं उनसे पूछ के कि आपका पोस्चर सही है या नहीं। तो अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और सिर्फ
चलने के पोस्चर को नहीं, खड़े रहने के पोस्चर को नहीं, बट बैठने के पोस्चर को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बाकी एक परफेक्ट पोस्चर के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि अगर जो आप बोलोगे तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए आपको ये चीज़ मुझे कमेंट में बतानी पड़ेगी। जो फिफ्थ चीज़ है जो कि आपकी लुक्स को अच्छा करेगी, एनहांस करेगी, वो है संडे ग्रूमिंग। अब संडे ग्रूमिंग ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, यानी कि वीक में एक बार आपको ज़रूर से ग्रूमिंग करनी चाहिए। और ये ग्रूमिंग सिर्फ आपके फेस की नहीं, बल्कि ये ओवरऑल बॉडी की आपकी ग्रूमिंग होगी। अब ग्रूमिंग में आप अपनी नीड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप अपने बालों की केयर कर सकते हो कोई अच्छा सा हेयर मास्क लगा के, अपने फेस पे एक्सफोलिएशन कर सकते हो यानी कि स्क्रब कर सकते हो, कोई नेचुरल मास्क लगा सकते हो, अपने बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो ओवरऑल बॉडी पे। तो ऐसी ये जितनी भी चीज़ें हैं अपनी बॉडी ग्रूमिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें आपको संडे टू संडे करनी चाहिए। और ये बहुत से लोग नहीं करते हैं, और जो इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा वो बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट आपको दिखने वाला है मात्र 1 से 2 महीने के अंदर। इसीलिए कभी भी संडे ग्रूमिंग मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। अब जो फाइनल यानी कि जो 6th स्टेप है, जो कि आपको मतलब और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपको अच्छे से ग्रूम करेगा, वो है बॉडी वर्कआउट। अब बॉडी वर्कआउट यानी कि आप जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जो भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको पसीना निकले, आप चाहे पार्क में जो है कार्डियो करो, चाहे डंबल से करो, तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी करता है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, पसीने आते हैं, तो जो टॉक्सिन्स हैं आपके शरीर से वो बाहर निकल जाते हैं, साथ के साथ आपकी बॉडी की शेप अच्छी होती है, टोनिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से कपड़े सूट करने आपको जो है स्टार्ट हो जाते हैं, तो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही बिल्ड हो जाता है। तो इसीलिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ ये है कि यार जब आप वर्कआउट करते हो तो हैप्पी हॉर्मोन्स आपके जो है रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि आप ज़्यादा खुश रहते हो, आपके फेस पे ग्लो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यार ये 6 के 6 पॉइंट्स अगर जो आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि 2 से 3 महीने के अंदर आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। बाकी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अच्छे अच्छे नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।